सोनीपत भाजपा लोकसभा के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली ने बड़ौदा हलके के एक दर्जन से ज्यादा अलग अलग गांव में दौरा किया, जहां मोहनलाल बड़ोली लगातार वोटों की अपील कर रहे हैं, तो वहीं अलग अलग गांव में उनका जोरदार स्वागत हुआ है। मोहनलाल बड़ोली ने कहा है कि 2014 से देश के प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री ने अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने के लिए जन कल्याण की अनेक नीतियाँ लागू की है। देश के गरीब लोगों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जोड़ने का काम किया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस की नीयत और नीति में फर्क रहा है और कांग्रेस परिवारवाद में डूब रही है। वहीं उन्होंने यह कहा कि 2024 के चुनाव में हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीट पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। निवेदन है, मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे सभी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस विधानसभा के संयोजक अशोक बनवासा जी, भाई फूल खरब जी हमारे आपके गांव के हैं और पार्टी के किसान नेता, बहन सोनिया सेन मंडल अध्यक्ष, विनोद त्यागी जी चेयरमैन हैं हमारे मुरथल ब्लॉक से, विनोद बैरागी जी, ये बैरागी ये हमारे ओबीसी मोर्चे के जिला के अध्यक्ष हैं, नरेंद्र दहिया जी आपके सामने बैठे हैं, रमेश मलिक जी उपाध्यक्ष, बलबीर कश्यप जी, गांव गुमाना के मेरे धारी जी नैला एक सरपंच, राजबीर एक सरपंच, कुलदीप पंडित जी, वजीर जी, कुलदीप जी, लक्ष्मी जी, सुदेश जी और राजेश जी, और यहाँ पर उपस्थित गांव के मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहने छायाकार पत्रकार साथियों, आज आपके बीच में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, ये निवेदन प्रार्थना करने के लिए आपके बीच में आया। और भारतीय जनता पार्टी ने परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से आपके बीच में ये जो सेवा के मौका मेरे को दिया है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार भी करता हूँ। और इस चौपाल में जिस प्रकार से आप सभी ने हमारा स्वागत किया, सत्कार किया, जिस प्रकार का आश्वासन अभी भाई फूल के कहने से आपने दिया है, इन सब बातों को चुनाव बहुत सारे आपने देखे हैं, बहुत सारी सरकारें भी आपने देखी हैं और बहुत सारे नेता भी आपने देखे होंगे। हर आदमी का अपने आप पता भी चल जाता है। जब से भारतीय जनता पार्टी में लगा हूं, जिला परिषद का सदस्य भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास गया हो काम के लिए गया। आपके एक दो बार इसमें पानी छुड़वाने की बात आई। सूरज सिंह जी मंडल के अध्यक्ष, जितेंद्र शर्मा जी मंडल के अध्यक्ष, अमित वाल्मीकि जी जो हमारे एससी मोर्चा के जिला के अध्यक्ष, विनोद त्यागी जी चेयरमैन मुरथल, विनोद बैरागी जी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष, नरेंद्र दहिया जी और मारा गांव के राजेंद्र जी पूर्व सरपंच, संत कबीर सेवा समिति मारा, विजय नागर जी, जितेंद्र इंदौरा जी, रिंकू सूर्या जी, पी डी सूर्या, विशाल इंदौरा, हंसराज इंदौरा, नरेंद्र सूर्या, राम कुमार प्रधान, ओम प्रकाश जी, जैन सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहने छायाकार पत्रकार साथियों, आप सभी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2014 से आज तक 10 वर्षों का शासन, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुँचाने का काम किया है, जन कल्याण की अनेक नीतियां लागू करके देश के 140 करोड़ जनसंख्या के देश में 80 करोड़ लोगों को 5 वर्ष तक मुफ्त राशन देने की योजना देश के प्रधानमंत्री ने चलाई। कभी किसी सरकार ने इस प्रकार की योजना के बारे में सोचा तक नहीं। और जो हमारे गरीब परिवार है, देश में 53 करोड़ लोगों का आयुष्मान योजना से जोड़ने का काम किया। हरियाणा प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।